previous lecture we discussed reading text 3, the fishing. That lesson consists of two topics, picking and fishing. So after discussion about picking and fishing, I have brought new topic today for you related to lesson number 3, exercise E. Number E, put the verbs in parenthesis into the correct tense. Parenthesis means similar, uniformly, matching, concord. Verbs ek bracket mein end hue correct tense ke mutabik tamange use karna hai. Parenthesis karna hai, similar karna hai, match karna hai. You said unan jo e karna hai. Suppose here is number one example. I stay here until he come back. माहिते दर्शन दोस जेस ताई हो वापस आते सिंधी ने माना देने माहिते दर्शन दोस जेस ताई हो वापस न तो आते जेस ताई हो वापस न तो आते माहिते बिहंद दोस दैट इज वन स्ट्रक्चर आई शल स्टे हियर अंटिल ही कम्स बैक हाँ इधर पहले हो सा आई शल लिखना से यानी जब करेक्शन थी तो I shall stay here until he comes back. Poem format present tense में करना है, have future में करना है। हाँ एक और यूज़ तरीको है until का use में। यूज़ तरीको ऐसा है ना कि simple ही present tense में भी करें जगुना both in present tense I stay here until he comes back। वो ही ना कैसा S मिलाइना से तो ही शी इट सिंगल नेम सा वर्ब में एस ऑन दिया है दैट इज अ पैरेंथेसिस अकॉर्डिंग टू नंबर 1 नंबर 2 इफ यू स्पीक द ट्रुथ आई एम नॉट पनिश यू दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू कंडीशनल टेंसेस यू नो इफ क्लॉज स्टार्ट्स विद द कंडीशनल टेंसेस हाने सा पहले ने मीनिंग समझना से सिंधी में तो देख रहे तमा सच गलाइंदो त मां तांखे सजा न ॾींदुस जेकर त सच न गलाइंदो त मां तांखे सजा ॾींदुस हाणे इफ हिन खे साल था कयूं इफ यू स्पीक द ट्रुथ प्रेज़ेंट टेंस सिंपल प्रेज़ेंट टेंस आई शल नॉट पनिश यू स्ट्रक्चर में ऐसा पेन पार्ट फ्यूचर में लगे हुए पेन सिंपल प्रेजेंट में ऐसा एंटरटेन करे स्ट्रक्चर सेंस के मुताबिक हां ही वजह से जो कंडीशनल टेंस है नंबर 2 कंडीशनल टेंस तो स्ट्रक्चर ये होता है नंबर 1 इफ के लाल सिंपल प्रेजेंट टेंस में एंड सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट में कह सकता हां देखो इफ यू स्पीक द ट्रुथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस I shall not punish you, shall not use helping verbs and future tense and first form kanda. The hani meaning the kahina ji thindi ya. Pehle na ta sa bhai hana ji na lo likhi chadyo. Ni the ko tense ahe. Present conditional tense jo sentence ahe. Hina tense se mutabik asa. Hina tense mein मैं रिपीट तो कया फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट टेंस सिंपल में सेकंड पार्ट शल या विल में इस्तेमाल थी मैं फर्स्ट पार्ट मैंने थे ने बिने ये फ्यूचर टेंस में दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज व्हाई दिस टेंस इज आल्सो नोन एज अ फ्यूचर कंडीशनल टेंस एज वेल ये करे तमा सा जो गलाई तो तमा तमा के सजा नदी दोस जेकर तमा सब गलाई तो फ्यूचर टेंस माता के सदा नदी तो फ्यूचर टेंस दैट्स ऑल आई होप यू गॉट इट प्रॉपर्ली नंबर 3 व्हेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन अराइव जदे वो स्टेशन पे पहुंचो द ट्रेन पे पहुंची हुई ट्रेन पे पहुंची ही पहुंचो द ट्रेन पे पहुंची व्हेन ही रीच द स्टेशन The train arrived. हाँ ऐसा है ना कि बिन सूरत में ऐसा कर सकूँगा। एक बार जड़े हुए स्टेशन पर पहुँचो तो ट्रेन पहुँची चुकी हुई।
Pero o simple past me foi o passo perfeito me estou terminando aqui, é? Yani first action happened before it another action happened happened. Dia vai jumlo ondo a. Tá marido de coachana na algo doctor coachi chuko hoyo. Ya sari doctor de coachana na algo marido marido ko hoyo. And doctor ekro action thyo hi na ya ya the bio action thi chuko a pe. Wo past perfect me yani the patient had died before the doctor came. The patient had died before the doctor came. मतलब मरीज मरी चुको हो डॉक्टर देखने आ गए ये सब चला था पहले पास्ट टेंस में कौन था परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में एक लो पास्ट परफेक्ट में एक लो सिंपल पास्ट में तो एड़े सूरत में ही थी दो जने वो स्टेज में पहुंच गए ट्रेन तक पहुंच ही चुकी हुई द ट्रेन हैड अराइव्ड आई को यो आई ऐसा को इनके सिंपल पास्ट में फिनिश भी कर सको तो दैट्स नो मैटर व्हेन ही रीच्ड स्टेशन सिंपल पास्ट द ट्रेन अराइव्ड यानी पास्ट टेंस से पास्ट टेंस के पैरेंथेसिस तो करे सिमिलर तो करे यो भी स्ट्रक्चर आ जने वो स्टेशन पे पहुंचो द ट्रेन पे पहुंची वो स्टेशन पे जने पहुंचो द ट्रेन पे पहुंची भाई तो हाने यो तरीको यो आ वेन ही रीच द स्टेशन द ट्रेन हेड अराइव्ड The train had arrived by correct time. In our number 4, I find the book which I lose. L O S E. Baba, I have to do pronunciation. Give us the name of the book. That is he. L double O S E B. Baba, L O S E B. Hi. Kafi maa hunda ke L double O S E ke lose padna. हाँ ये तो पहले और लूसा एल डबल ओ एस ई इन्हें जो सेकंड फॉर्म लूसेंट है थर्ड फॉर्म में लूसेंट है इन्हें जो सेकंड फॉर्म लास्ट है थर्ड फॉर्म भी लास्ट है यानी पास्ट टेंस लास्ट पास्ट पार्टिसिपल लास्ट हाँ ये क्या होता है इन्हें जो नाउन के लोग इन्हें लूस जो नाम आहे लास्ट एल ओ डबल एस तो सब याद रख चले हो एल ओ डबल एस नाउन आहे इन्हें जो मतलब है लूज जो मतलब है मिस समथिंग मिसप्लेस समथिंग काशे विन्यायन इन्हें जो मतलब है नाप टाइट लूज जो सिमिलर वर्ड है नाट टाइट माना ढिलो मजबूत ना ढिलो इन्हें जो मतलब है एलो बेचे आए लास्ट सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस एले भी पास्ट टेंस होले भी पास्ट टेंस हमें जो करे जो दैट इज रियल टी में था सिर्फ भाई पास्ट टेंस पे रखा था नंबर 5 इफ यू नॉट अरे यू मिस द ट्रेन यू भी कंडीशनल दी मीनिंग दो रे देखने तमा तकड़ न कंदो तो ता ना ट्रेन हली वेदी देखने ता जल्दी न कंदो तो ता ना ट्रेन हली वेदी प्रेजेंट कंडीशनल टेंस आ इफ यू डू नॉट हरी You will miss the train. Second part simple future में, third part simple past tense, simple present tense में या present indefinite में अगले साम explain करेगा फिर number 2 sentence, ये भी number 2 साम match को करेगा. Number 6 साम, if it is not rain we go out for a walk in the evening. देख रहे हैं मैं नवस्य हो, तासा शाम जो वाक लाए वेंदा से बाहर जेकर मी न वसे शाम ने आई कोने का त इन सूरत में ही जेको पेनो पार्ट आ इफ इट डिड नॉट रेन पास्ट टेंस में कहा दे पास्ट कंडीशन में वी शुड गो
था पे रहे ता के शल यूज करनी पानी आई वी शल गो देख रहे ता ने की पास टेंस में ता पे रहे ता शुड रखनी पानी छोड़ सेकंड पार्ट दे गो में शुड है वर्ड इस्तेमाल की दिया एंड फर्स्ट फॉर्म यूज कब हो शुड ता पे गो आउट ही मारे क्यों देट इन रखे हो और इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कंडीशनल टेंस ऑफ प्रेजेंट कंडीशन में कदो डू नॉट रखा तो इट डज नॉट रखा तो इफ इट डज नॉट रेन वी शल गो आउट आई जब पास टेंस में कह रहा है इसमें आने शुड नेवर रखनी है मैंने कहा कई ऑप्शंस ना बट आई एम लाइक करेक्ट नंबर 7 आए इफ ही स्टडी रेगुलरली ही पास द एग्जामिनेशन देख ले हो रे बाकायदे पढ़ंदो तो इम्तिहान पास कर दो इफ ही ये भी कंडीशनल है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इफ ही स्टडीज स्टडी जो वर्ब आई करेक्ट स्टडीज आई ई एस मिलाइंदो regularly he will pass examination he will pass examination ye ho sa jo present condition la wo thi yo number 8 he go to the market and buy two books yesterday hani baba yesterday word jade baje ye gal yaad rakha to tama ki un mein simple past tense rakhna past perfect na dekhna ma ye example likha I had last my book in the cart yesterday. This sentence is galat grammatical. Chhatra past perfect na yesterday use nahi kar. Yesterday previous day that day simple past tense. And the other thing was ago. वर्ड जने अगो इस्तेमाल दे तने भी ता पास परफेक्ट नथा यूज कर सको हे दसो एना के करेक्ट की कमा दे आई लास्ट माय बुक इन द पार्क यस्टरडे सिंपल पास्ट टेंस में करेक्ट थी वे ही करेक्ट है हाँ दे करे दसो बेओ माय एग्जांपल तो लिखा ही हैड डाइड मंस अको ये भी गलत है जो अको वर्ड देखो एडवर्ब ऑफ टाइम आ बोला साहब सिंपल पास्ट में उसी में पास्ट परफेक्ट ना ही डाइड 2 मंस अको दैट इज करेक्ट यो करेक्ट है तो इन सूरत में इते यस्टरडे आई मीन टू गेट यू प्रॉपर्ली दैट इफ यू फाइंड यस्टरडे इन एनी काइंड ऑफ सेंटेंस यू हैव टू bring thought about simple past tense not at all any other tense hane simple past tense mein karna de yesterday ne kare he went to the market and bought 2 books yesterday that is correct he sahi hai baba he hai tarike sath hi to मेमोरी का के रिमाइंड कराया तो अगो यस्टरडे प्रीवियस डे हुंदा तो असन के सिंपल पास्ट टेंस में करनो पड़ो सेंटेंस आई गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज एज़ सून एज़ माय रिजल्ट अनाउंस मैं परदेश वेंदम आला तालीम हासिल करण के लिए जिए ही मुजो रिजल्ट अनाउंस थिलो जिए ही मुजे इम्तिहान जो नतीजो पत्रो थिलो त मैं फॉरेन वेनो अब्रॉड माने फॉरेन ये देखो वर्ड ए बी आर ओ ए डी जो मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स वेदान फॉरेन चाइना वेदान इंग्लैंड वेदान जर्मनी वेदान फ्रांस वेदान अमेरिका वेदान अलग फॉरेन दे हुआ हाने ही भी ऐसा के प्रेजेंट कंडीशन की मीनिंग टुडे छाकल मा आला तालीम मा हासिल करण लाइफ बाहर वेदो सो जिए ही मुजो नतीजो निकला तो इम्तिहान दो त एथे ते कोने का असन के सिंपल फ्यूचर में करना है नई पार्ट आई शैल गो अब्रॉड जो हाने न तो बने तबे तो रिजल्ट तो अनाउंस थिंदो तो मा वेन फॉर हायर स्टडीज एज़ सून एज़ माय रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड लिखो या विल अनाउंस लिखो भाई करेक्ट है तो इन्हें ना को
Prerana. Number 10. The teacher punished the boys who would not do the homework. उस्ताद बारन के सजा देने जिन होमवर्क न कयो द टीचर पनिश्ड पास्ट टेंस में द टीचर पनिश्ड द बॉयज हु डिड नॉट डू द होमवर्क हु डिड नॉट डू द होमवर्क ये भाई पार्ट में ना सिंपल पास में थी ना हाँ बाबा इन्हें ना इलावा अच्छा नेक्स्ट एक्सरसाइज करना से इन माय नेक्स्ट लेक्चर दैट्स टॉपिक इज सिंस अल्फा अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 3 सो इट्स ओवर आई सम अप हियर गॉड ब्लेस यू बाय